बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो है कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर अमेज़न के हवाले से। और लास्ट वीडियो में मैंने कीवर्ड रिसर्च की बात की थी। ये फोर्थ वेबिनार है हमारा और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो अमेज़न की वेबसाइट होती है उसका स्ट्रक्चर आपने बनाना है और किस तरह से कंटेंट आपने राइट करवाना है। ठीक है, सो स्टार्ट करने से पहले एक दो क्वेश्चन हैं जिनका आंसर करना बड़ा ज़रूरी है। मोस्टली लोग पूछते हैं कि वन निच ब्लॉग होना चाहिए या मल्टीपल निच ब्लॉग होना चाहिए। सो अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम अमेजोन की वेबसाइट बना रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उसको एक निच से स्टार्ट करें, लेकिन आप टॉपिक उसका ब्रॉड सिलेक्ट कर लें, निच ब्रॉड सिलेक्ट करें, लेकिन उसके अंदर एक नैरो टॉपिक को आप कवर कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं प्रोसेस के साथ और एक्सपीरियंसड हैं, देन आई विल सजेस्ट के, और अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टीपल निचेस को एक साइट में टारगेट करें, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है और किस तरह से उनको मैनेज करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि कितने आर्टिकल्स वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करने हैं। सो इसकी कोई एज सच लिमिट नहीं है, आप करने को 10, 20, 50 जितने करने चाहिए आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस निच को टारगेट करें। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जिस निच में भी आप हैं उस निच को जितना ज़्यादा डीपली कवर आप कर सकते हैं उसको करें। लाइक उसके अंदर रिव्यूज़ हैं प्रोडक्ट्स, अगर हम अमेजोन की बात करते हैं, ठीक है, रिव्यूज़ हैं, बेस्ट आर्टिकल्स हैं, कंपेरिजन हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, देन उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं, तो इस तरह के जितने भी आप कवर कर सकते हैं उसको करें। उससे गूगल की नज़र में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उस साइट की, जिसने टॉपिक को जितना ज़्यादा डीपली कवर किया हो। ठीक है, सो ये दो चीज़ें जो मोस्टली मैंने ग्रुप के अंदर देखी हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट स्ट्रक्चर के ऊपर। ये मैंने फोटोशॉप के अंदर एक छोटी सी इमेज बनाई है, आई होप कि ये आप लोगों को पसंद आएगी। इसके अंदर सिंपल मैंने वो बना के सेक्शंस उसको डिवाइड कर दिया और साथ में मैंने उसके ऊपर मेंशन भी कर दिया कि क्या क्या चीज़ किस तरह से होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका आर्टिकल टाइटल आ जाता है सिंपल, आपने जो भी आपका आर्टिकल आप लिख रहे हैं उसका टाइटल बनाएं, यूजर फ्रेंडली हो प्लस कीवर्ड हो उसके अंदर, ताकि यूजर कि जो प्रॉब्लम है वो उसको पता चल जाएगा ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। ठीक है, देन उसके बाद फीचर्ड इमेज आ जाती है। फीचर्ड इमेज कोशिश करें कि प्रोडक्ट बीच में आए, प्लस फोटोशॉप के ऊपर उसको करके थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छी इमेज बनाएं ताकि यूज़र उसको लाइक करे, क्योंकि एंड टारगेट हमारा यही है कि यूज़र के लिए आर्टिकल हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल होने के लिए उसका इंगेजिंग होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बेसिकली मोस्टली जो मैंने चीज़ देखी है वो एक पैराग्राफ होता है 4 से 5 लाइनों का, मोस्टली ये होता है, लेकिन उससे ज़्यादा भी होता है। तो कोशिश करें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन लिखें जिसके अंदर आप यूज़र को उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, देन उसके बाद उसको सोल्यूशन भी बताएं ताकि उसका इंटरेस्ट आर्टिकल के अंदर डेवलप हो जाए। उसके बाद कंपैरिजन टेबल है। कंपैरिजन टेबल में जितने प्रोडक्ट्स आपने सेलेक्ट किए हुए हैं उनको आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। बाय द वे ये जो स्ट्रक्चर है ये बेस्ट प्रोडक्ट आर्टिकल के लिए है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी हमारे पास डिफरेंट टाइप के आर्टिकल, डिफरेंट टाइप के कीवर्ड टाइप्स होती हैं, तो ये जो है वो बेस्ट वाली है। इसके अलावा कंपैरिजन है और इसके अलावा रिव्यू है, सिंगल रिव्यू, इंफॉर्मेशनल है, वो अलग है। ठीक है, वो सिंपल है, उनमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि ये आर्टिकल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस आपके होते हैं। तो कंपैरिजन टेबल आ जाएगा। कंपैरिजन टेबल के बाद आपने कंपैरिजन टेबल में सिंपल जो प्रोडक्ट्स हैं लिस्ट करके उसके सामने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दें सेल्स के अंदर, देन चेक प्राइस का बटन लगा के यूजर को अमेजोन के लिए लिंक लगा दें। ठीक है, उसके नीचे वन बाय वन हर प्रोडक्ट को कवर करें। मोस्टली 7 to 8 प्रोडक्ट्स जो मैं करता हूँ, 7 to 8 प्रोडक्ट्स, 10 ज़्यादा हो जाता है, 5 तकरीबन ठीक है, 5 to 8 प्रोडक्ट्स आप कवर कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर होगा आपका सिंपल, प्रोडक्ट टाइटल, देन कंटेंट, और राइट साइड पे प्रोडक्ट इमेज आ जाएगी। प्रोडक्ट इमेज भी कोशिश करें अमेजोन की पिक्चर यूज़ नहीं करें, और जो पिक्चर आप बनाएं उसको फोटोशॉप कर लें, और उसके अंदर भी आप चेक प्राइस लगा के इमेज उसका लिंक लगाएं अमेजोन की प्रोडक्ट का। ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन है। कंक्लूजन आप 2 लाइनों का बना लें, देन प्रोस कॉन्स हैं, प्रोस कॉन्स में सिंपल फ्रेजेस छोटे छोटे जो प्रोडक्ट के बारे में हैं वो बता दें, और इसी तरह इसके नीचे सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट्स आपने कवर किए हैं, करने के बाद फाइनल कंक्लूजन आप प्रोवाइड कर दें। अगर आप बड़ा आर्टिकल बना रहे हैं 4 से 5 हज़ार वर्ड का, तो उसके अंदर बायर गाइड ऐड कर दें कोई 1000 वर्ड्स की, उसमें जनरल नॉलेज आपने प्रोवाइड करना है यूजर को प्रोडक्ट के बारे में। लाइक अगर वैक्यूम क्लीनर को अगर आप कवर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके बारे में जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक उसकी पावर क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इस तरह की चीज़ें, ताकि यूज़र को इंफॉर्मेशन मिले कि प्रोडक्ट है क्या, उसकी क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद आप यूज़र को बताएं कि अब हमारी प्रोडक्ट्स हैं उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यूज़र को कवर करें। अब बात आती है कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल होना चाहिए। तो जो स्वीट स्पॉट है बेस्ट वाले आर्टिकल्स का वो 2500 है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप टॉप 10 आर्टिकल्स को देख लें कि लोगों ने कितना कितना किया हुआ है।
तो उनकी एवरेज निकाल के आप उसी हिसाब से कवर कर सकते हैं, लेकिन 2500 एक स्वीट स्पॉट है, 25 to 3000 वर्ड्स, ठीक है, इससे कम मुश्किल ही है वो, लेकिन करने को जाएं तो आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ही कोशिश करें कि आप उसको कवर करें, क्योंकि बड़ा आर्टिकल होता है तो इसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसके अलावा जो सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू है वो 1000 वर्ड का कवर करें, और जो आपकी कन्वर्जन कंपैरिजन आर्टिकल होता है उसके अंदर भी 1500 वर्ड तक ले जाएं, दो प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन होता है, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो पर प्रोडक्ट्स 500 टू 700 वर्ड्स का आप करके तो उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए। कीवर्ड डेंसिटी इतना वो मैटर नहीं करती आप, क्योंकि सर्च इंजन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि 1% तक उसको आर्टिकल के अंदर लेके चलें। अगर आपके 1000 वर्ड्स हैं तो आर्टिकल 10 दफ़ा कीवर्ड आपका 10 दफ़ा आएगा, अगर आपके 2000 वर्ड्स हैं तो 20 टाइम्स आपका कीवर्ड आएगा, जो कि ज़्यादा है फिलहाल, ठीक है। मैं मोस्टली 1 या 2 दफ़ा अपना कीवर्ड यूज़ करता हूँ टाइटल में और कॉन्टेंट के अंदर। तो खैर ये था हमारा स्ट्रक्चर, और इससे आप कोशिश करें कि अगर आप राइटर हैं तो आप उसको साथ साथ लेके चलें, और अगर आप राइटर नहीं हैं तो आप कंटेंट की सर्विस के लिए कोई बंदा हायर कर सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं भी सर्विस देता हूं, मेरी एजेंसी है कंटेंट राइटिंग की और टीम है मेरे पास प्रॉपर। तो खैर ये आज की हमारी वीडियो है कंटेंट स्ट्रक्चर के ऊपर, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।